पूरा गली में जाता हूँ, खाता हूँ, फिर पार्सल करके घर लेकर जाता हूँ। भीड़ तो अब शुरू हो रही है, मैं जल्दी पहुँचा हूँ इसलिए मुझे चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है खाने का। भाई साहब हमको भी चाहिए खिचड़ा, अब पूरा बाइट लेते हैं। तो लिवर भी दे दो, एक बोटी और एक लिवर। जैसे ही रमजान के महीने की शुरुआत हो जाती है, मानो के रास्ते पर खाने का एक मेला लग जाता है। मैं पहुंचा हूं कुरला, जहां एक पूरा खाऊ गली है, जहां अलग अलग किस्म का खाना मिलता है। मैं यहां आज पहुंचा हूं कुरला के खाऊ गली में, ये पूछने के रमजान के वक्त खाने में क्या है। भीड़ तो अब शुरू हो रही है, मैं जल्दी पहुंचा हूं इसलिए मुझे चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है खाने का। थोड़ी देर के बाद आता तो यहाँ बिल्कुल चलने के लिए भी जगह नहीं मिलती। खिचड़ा, भाई साहब हमको भी चाहिए खिचड़ा। सर आपको ही दे रहा हूँ। थोड़ा गोश्त भी देना। सर गोशीदार। गोशीदार। नींबू निचोड़ के, नींबू निचोड़ के देना मुझे। खिचड़ा जिसमें गोश्त के टुकड़े हैं, दो तीन गोश्त हैं और ऊपर से पूरा बिरस्ता है, फ्राइड अनियन। आप मुझे बताइए खिचड़ा में दलिया होता है, दाल होती है? दलिया की दाल होती है, गेहूं होता है, गेहूं, चना होता है, चना होता है, दलिया होता है, गेहूं होती है, दाल होती है और गोश्त होता है। ये बहुत घोटते हैं और गाढ़ा होता है, घोट घोट के गाढ़ा हो जाता है और इसमें गोश्त यानी मटन कुक होता है और नींबू निचोड़ के दिया है। गोश्त भी बराबर से पका हुआ है, गला हुआ है, गला हुआ है पूरा। वेरी नाइस। इसे कहते हैं इफ्तार की शुरुआत जो खिचड़ा से हुई है। मैं थोड़ा सा और लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा गली में जाता हूँ, खाता हूँ, फिर पार्सल करके घर लेकर जाता हूँ। अभी आप जाके आता हूँ वापस। ठीक है, जाइए पार्सल। मेरा सबसे फेवरेट है सीख पराठा, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ, जो है लजीज सीख कबाब। तो ये रहा मेरा सीख पराठा, चटनी, नींबू, पुदीना और मुझे प्याज चाहिए, थोड़ा प्याज, प्याज थोड़ा देना ना। ये जो सीख है ना, इतना सॉफ्ट है, लगता भी नहीं कि इसमें मीट है। ज़्यादा मसाला नहीं, ज़्यादा तीखा नहीं, सिर्फ टेस्टी। अब पूरा बाइट लेते हैं। इतना सारा खाना खाने के बाद मीठा तो बनता ही है ना, तो यह है रबड़ी। ये एक्चुअली रबड़ी नहीं है, रबड़ी नहीं है ये, ये शाही टुकड़े जैसा है, अरेबिक पुडिंग, बहुत अच्छा है, कस्टर्ड जैसा है ना, लेकिन रबड़ी भी है उसमें। हाँ, मार डाला मुझे।
हाँ, शाही टुकड़ा, कम रबड़ी, कम अरेबियन पुडिंग, मुझे क्या करना है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। कबाब्स, सॉरी सॉरी, मैं बॉस आज ही बोलिए ना, क्या खिलाओगे यार? ये बोटी, बोटी चाहिए मैं, बोटी है ना ये, बोटी, हाँ, एक 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 प्लेट तंदूरी लॉलीपॉप, ये मसाला लेग, मसाला लेग, पहाड़ी लेग, मलाई लेग, ये टिक्का है, टिक्का, ये बोनलेस, और ये बोटी, ये एक बोटी है, लिवर है, लिवर है, तो लिवर भी दे दो, एक बोटी और एक लिवर। अरे वाह, थैंक यू, ये मेरा लिवर और मेरा बोटी है। बोटी कबाब यानी मटन के टुकड़े जो मैरिनेट करके तंदूर पे सेके हुए हैं। ब्यूटीफुल, मटन पकाना आसान नहीं होता, बहुत समय लगता है, उसे टेंडराइज करके मैरिनेट करना पड़ता है। ये मटन इतना सॉफ्ट है, लगता नहीं कि रास्ते पर खा रहा हूँ मैं। लिवर यानी बकरे के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो मुझे बकरे के गोश्त से भी अच्छे लगते हैं। मटन लिवर भी पकाना मुश्किल होता है क्योंकि अंदर से ड्राई हो सकता है। ये ब्यूटीफुल, बाहर से कोयले का स्मोकीनेस, अंदर से मसाले, फैबुलस, और ऊपर से प्याज। नान चाप करें, नान चाप, एक नान चाप हो जाए। ये जो नान चाप होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? चिकन रहता है, एक चिकन आलू, चिकन और आलू, आलू और मसाले, हाँ मसाले, हाँ, और ये ब्रेड होते हुए नान ब्रेड, हाँ नान ब्रेड, हाँ, और तवे पर सेक के थोड़ा कड़क करके, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। ओह गरम है, गरम है। तो ये है नान चाप, जो बाहर का जो ब्रेड है वो एक अलग किस्म का ही ब्रेड होता है जिसे नान कहते हैं, और इसके अंदर चिकन आलू और मसाले भून के बनता है एक सैंडविच जैसा। थोड़ा ज्यादा चिकन अच्छा होता लेकिन टेस्टी, आलू थोड़ा ज्यादा है लेकिन इसकी खासियत इसके नान यानी ब्रेड में है, अलग किस्म का ही ब्रेड होता है। जी कहाँ पे आएगा? जी यूट्यूब पे आएगा। चैनल का नाम है खाने में क्या है, क्या है, क्या है खाने में क्या है, आसान है नाम जी, खाने में क्या है, आप ढूंढो सैटरडे। हाँ ओके चलो, खाना ढूंढने में मजा आता है। हलवा पराठा, यहाँ से पीछे से आओ क्या, इधर जा रहा हूँ। Thank you.
ये पराठे का साइज देखो, इतना बड़ा है, पूरा इतना बड़ा, इतना एक आदमी खाता है क्या? नहीं ना, एक आदमी नहीं खा सकेगा। मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन लेकिन ये जो हलवा है वो किससे बनता है? ये हलवा सूजी रवा, रवा से। तो देना ना एक थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए हलवा पराठा। हलवा है सूजी का हलवा, जैसे मराठी में शीरा भी कहते हैं इसे। सूजी सूजी होती है और पराठा पराठा होता है, लेकिन साथ में अगर खाओ तो मजा आ जाता है। अब हलवा पराठा भी हो गया, अब कोई कह रहा कि वहां हलीम है, हलीम घूमते हैं। मैं थोड़ा फ्राइड कम खाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हलीम खाता हूँ। और मैंने सुना है कि हलीम के साथ कीमा भी है। कीमा कीमा, वैसे तो कीमा सुबह सुबह नाश्ते के लिए खाते हैं, लेकिन आज मैं शाम को खा रहा हूँ कीमा। ए, देना ना थोड़ा कीमा देना बॉस। बस वाह, ये हुई ना बात। सभी खाना जो मैंने आज खाया ना, मसालेदार है, टेस्टी है, लेकिन ज़्यादा तीखा नहीं है। इसमें हरी मिर्च जरूर जाती है, इसमें जो धनिया होता है वो जाता है, इसलिए ये कीमा ग्रीन दिखता है, हरा। और इसमें मटर भी होता है। ये सुबह सुबह पाव के साथ खाने में इतना मज़ा आता है ना, लेकिन अगर मैंने पाव खाया तो कीमा कम खाऊँगा ना, क्योंकि पेट भर जाता है, इसलिए मैं सिर्फ कीमा खा रहा हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है कीमा आपका। ये तो ये तवक्कल हलीम है, हैदराबाद से आया है, क्योंकि हैदराबाद हलीम के लिए फेमस है। और ये जो हलीम है, जो गोश्त जो पकता है 6 घंटे के लिए पकता है और इस पूरा गल जाता है और मसाले होते हैं इसमें, तो टेस्ट करते हैं ये हलीम जो हैदराबाद से आया है कुरला में। ये क्या डाला ऊपर? घी। हलीम बड़े हंडे में है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही लिया है। उसके ऊपर जो ये हलीम जो 6 घंटे पका है, उसके ऊपर उसने घी डाला है और बिरस्ता है, यानी फ्राइड अनियंस डाले हैं जैसे खिचड़ी के ऊपर थे। और ये देखिए कंसिस्टेंसी, किसी को लगेगा कि ये मीट है? नहीं ना। ये जो कुकिंग स्टाइल है ना, गोश्त को मटन को पूरा गलाने की, शहनशाही स्टाइल है। बस हो गया ना इस एपिसोड के लिए, इतना ही खाना। बस देखो, आपको समझना चाहिए कि एक आदमी इतना ही खाना खा सकता है। एक समय पर मैंने इतना सारा खाना खाया कि मेरा पेट भर गया है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ राइट टू अस, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। ओके, वन जेन्युइनली इम्पोर्टेंट एक्चुअली टफ क्वेश्चन, हैदराबादी हलीम और कश्मीरी हरीसा? हैदराबादी हलीम। रियली? एनी डे। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हैदराबादी हलीम। इट्स गॉट मोर स्पाइसेस, इट्स गॉट मोर फ्लेवर। Start from sweet paratha, or we start from here, okay? कौन ले रहा है क्लोज? कट रोल अच्छा है यार, मैं थोड़ा कबाब वबाब करता हूँ, पानी वगैरह।
नहीं मैं ठीक हूँ, अभी तक तो ठीक हुआ है, टीका लगेगा तो फिर और सीख पराठा मुझे इस और मैं विल डू आई डू इट अगेन। हाँ तो एक लीवर भी दे दो, बोटी और लीवर। हाँ एक एक, एक। तो लीवर अभी उसके बाद मुझे खाना खाना है।